दुनिया भर में लगभग 700 से ज्यादा वेनमस स्नेक्स हैं, जिनमें से लगभग 250 स्नेक्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस को सिर्फ एक बाइट में किल कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्नेक वेनम आपके नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं और कुछ ब्लड क्लॉटिंग या सीवियर ब्लीडिंग कर सकते हैं। लेकिन चाहे ये स्नेक वेनम कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, प्रॉपरली यूज करने पर इनके कुछ पावरफुल मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक स्नेक वेनम्स का यूज करके रोज कई लोगों की जानें बचाई जाती हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में इन ड्रग्स को लाइफ सेविंग ड्रग की तरह यूज किया जाता है। ये एक ब्राजीलियन पिट वाइपर है। 1970s में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि खेतों में काम करने वाले वर्कर्स को जब भी ब्राजीलियन पिट वाइपर बाइट करता था तो उनकी मौत ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से होती थी। साइंटिस्ट ने इस स्नेक वेनम को कलेक्ट किया और इस वेनम से ब्लड प्रेशर लोअरिंग कंपाउंड को सेपरेट किया, जिसका मॉडिफाइड सिंथेटिक वर्जन आज के टाइम में हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इस ड्रग को कैटोप्रिल के नाम से जाना जाता है। इसी मेडिसिन को कार्डियक अरेस्ट होने पर हार्ट फेलियर को रोकने के लिए भी यूज किया जाता है। रेटल स्नेक का वेनम हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। इसके काटने पर टिश्यू और सर्कुलेटरी सिस्टम सीवियरली डैमेज होता है और बाद में इंटरनल ब्लीडिंग से इंसान की मौत हो जाती है। इसी वेनम के कुछ टॉक्सिन्स को एप्टिफिपेटाइड नाम की एक ड्रग में यूज किया जाता है, जो ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनको हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क होता है। ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट में स्टंट लगा हुआ होता है, स्टंट के आसपास प्लेटलेट जमा होने लगती हैं और क्लॉट बनाकर ब्लड फ्लो को रोक सकती हैं। ये एपिफिपेटाइड मेडिसिन प्लेटलेट के एजिटेशन को रोकती है, जिससे प्लेटलेट आपस में स्टिक नहीं हो पाती और क्लॉट नहीं बना पाती। ऐसे ही मलाइन पिट वाइपर का वेनम टेस्ट करने से पता लगता है कि इसकी स्मॉल डोज से स्ट्रोक के बाद होने वाले ब्लड क्लॉट्स डिजॉल्व हो सकते हैं और नए ब्लड क्लॉट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा स्नेक वेनम्स की प्रोटीन पर होने वाली स्टडीज बताती है कि स्नेक वेनम कैंसर के लिए पोटेंशियल ट्रीटमेंट हो सकता है। रेटल स्नेक के वेनम में कोरोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, जो मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। रिसर्चर्स ने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोरोटॉक्सिन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इस ट्रीटमेंट को CB24 बोला जाता है। ये सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स को टारगेट करके किल करने का काम करता है। कुछ स्टडीज में साइंटिस्ट स्नेक वेनम को पोटेंशियल पेन किलर की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे ब्लैक मामा के वेनम से आइसोलेट किए गए दो मॉलिक्यूल्स मॉर्फिन जैसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर जितने इफेक्टिव पाए गए। किंग कोबरा के वेनम के टॉक्सिन्स में भी पेन किलिंग इफेक्ट होते हैं, जो मॉर्फिन से 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ब्लैक मांबा स्नेक के जहर की सिर्फ दो ड्रॉप्स किसी भी इंसान को मार सकती हैं। इसकी पोटेंसी इसके न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से होती है। न्यूरोटॉक्सिन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व सेल से टाइटली बाइंड होते हैं और इसे खराब कर देते हैं। रिसर्चर्स इन केमिकल पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इन केमिकल्स को फ्यूचर में ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डिजीज जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सके। एक वेनम कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होता, ये नेचुरल टॉक्सिन्स का एक कॉकटेल होता है। एक स्नेक के वेनम में कम से कम 20 से 30 और ज्यादा से ज्यादा 100 टॉक्सिन्स तक हो सकते हैं। मे बी हम इनका यूज करके आने वाले समय में और भी बहुत जरूरी मेडिसिन को बना पाए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मिलते किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।